हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं अमितांशु पांडे आपका स्वागत करता हूं एनजीआईटी ऑफिशियल पर। कल हमने रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी थी, आज हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। कल मैंने आपको ए से जेड तक उसकी नंबरिंग बताई थी, उसका फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकेंड हाफ क्या होता है, उसको याद कैसे किया जाएगा ये तरीका समझाया था। आज हम उस पर सवालों को देखेंगे। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होता है, हाफ अगर रिवर्स कर दें तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स कर दें तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक, ऐसे ऐसे हम क्या कहाँ तक जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड तक। ठीक, देखिए अगर कभी भी ए से जेड तक आपको पूछ ले कि बाएं से तीसरा प्लेस, तो हमेशा बाएं किधर से रहेगा, इधर से रहेगा। अगर आप बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपका बायां हाथ हमेशा इस लाइन के बाएं को शो करेगा और आपका दायां हाथ हमेशा इस लाइन के दाएं को शो करेगा। ठीक, तो अगर आपको लेफ्ट से देखना है चीज़ों को तो आप इधर से लेफ्ट से देखेंगे, और राइट से देखना है तो इधर से राइट से देखेंगे। ये आपका शुरुआती पोजीशन है, जो शुरुआती पोजीशन में होता है। लेकिन सवाल के बीच में जब आप जाएंगे तो आपको दिया रहेगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, किसी भी अल्फ़ाबेट में ए टू जेड के बीच में बाएं से पांचवा अक्षर के दाएं जब के लग जाए तो जहां आप पहुंचे, जैसे आपसे उसने कहा कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो 1 2 3 4 5वां अक्षर के दाएं। अब के दाएं में आपको ध्यान रखना है कि अक्षर कहाँ से पूछेगा, तो के दाएं इधर जाना है आपको। ठीक है, अब अक्षर अब देख रहा है, ठीक, किस तरफ, अपोजिट साइड में, जिस तरफ हमारा मुंह है उसी तरफ अक्षर का भी मुंह चला गया। तो अब इसके दाएं क्या होगा, इस तरफ जाएगा, ये इसका राइट जाएगा, के दाएं वाला, के राइट। ठीक, और अगर आप इधर आ रहे हैं तो के बाएं हो गया या फिर लेफ्ट हो गया। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि ए टू जेड तक लेफ्ट से राइट कैसे चला जाता है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ लिया कि किसी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, किसी अल्फ़ाबेट में ए टू जेड तक में अगर आप, अभी हमने देखा कि ए से जेड तक में बाएं और दाएं तरफ की पोजीशन को कैसे निकाली जाती है। अब जैसे कोई सवाल आपसे पूछा कि किसी अल्फ़ाबेट के सीरीज में बाईं तरफ से पांचवें अक्षर, किस तरफ से, बाईं तरफ से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि किसी अल्फाबेट में बाईं तरफ से पांचवें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब मैंने आपको कहा था शुरुआती पोजीशन क्या है, बाईं तरफ से, तो लेफ्ट साइड से एक ही तरफ से अगर आप गिनेंगे तो क्या कह रहा है वो, बाईं तरफ, यानी L5। L मतलब क्या होता है, देखिए मैं लेफ्ट को L लिखूंगा और राइट को R लिखूंगा। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसने कहा बाईं तरफ से पांचवा अक्षर, L5 हमने लिख लिया, पांचवा अक्षर उसने कहा। ठीक, हमने डैश लगाया, या फिर से माइनस समझ लीजिए आप, प्लस समझ लीजिए, कुछ भी चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने एक डैश लगाया, के दाएं 10वां अक्षर। अच्छा, अगर आप ए से जेड तक जा रहे हैं और पांचवें अक्षर पर पहुंचे, इसके बाद उसने कहा के दाएं 10वां अक्षर, यही तो बताया था कि पहली फर्स्ट पोजीशन के बाद हमेशा राइट इस तरफ जाएगा। ठीक, अब आप राइट अगर इस तरफ जाएंगे तो इधर ही से तो गिन रहे थे, आपने बायां 5 गिना और फिर इसी तरफ आप फिर से 10 गिन रहे हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, समझ में आई बात। अर्थात राइट का 10, यहाँ पर लिखा हुआ है ना दाएं का 10वां, अब इसके जो दाएं का 10वां अक्षर आया के बाएं तीसरा अक्षर, बाएं तीसरा अक्षर, तो कहाँ लेफ्ट 3 अब देखिए आप बाईं तरफ से शुरू किए थे और उसके दाएं 10वें अक्षर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात नियम क्या बना, यल और आर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, अगर आर और यल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अगर यल और यल है तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक, और आर है तो ये भी क्या होंगे, घट जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पे। अब देखिए यहाँ पर यल और आर है और मैंने कहा अगर यल और आर है तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ लो, इसको बना लो यल 15। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर आप बाईं तरफ से 5वें अक्षर के दाएं 10वें बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ तो उसी तरफ रहे हैं, तो आप बाईं तरफ से क्यों ना 15वां अक्षर ले लें, 5 और 10 15, भाई 5वें अक्षर ई पे आए, फिर उसके दाहिने आप और बढ़ रहे हैं, तो जो दोनों जोड़ के हमने क्या कर लिया, 15। और मैंने बताया इसलिए कि यल और आर अगर साथ में है तो जुड़ जाएंगे। अब इसके साथ क्या था, यल 3 था, के बाएं तीसरा अक्षर, फिर हमने क्या बताया अगर यल और यल साथ में आ जाए तो घट जाएंगे। ठीक है, ये साथ में आ गए तो 15 में से 3 गए, यल 12। अब बाईं तरफ से 12वां अक्षर क्या होता है, क्या होता है, कल हमने आपको बताया था ना, सी फिलो आर यू एक्स, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 1 कम 3, 3 2 6 3 3 9, 3 4 12, यानी कि यल होता है। आई बात समझ में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यल। ठीक, आसान था कि नहीं ये क्वेश्चन। अब इसी पैटर्न पे आपको कई तरीके से सवाल पूछता है, ये तो एकदम आसान तरीका हो गया कि ऐसे पूछता है। अब इसी में वो चीज़ों को रिवर्स करना शुरू करता है, अर्धांश को रिवर्स करेगा, यानी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को, पहले अर्धांश को उल्टा कर सकता है, दूसरे अर्धांश को उल्टा कर सकता है, या फिर दोनों अर्धांश को वो उल्टा कर सकता है, लेकिन ये तरीका आपको बेहद आसान दिख रहा होगा। इसी तरीके से सारी सवालें सॉल्व होंगी, बस थोड़ा थोड़ा उसमें कहीं चेंज होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, तो अभी आपको मैंने एक सवाल बताया, अब मैं आपको दूसरी सवाल बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आपको उसने कहा कि किसी भी अल्फ़ाबेट में बाईं तरफ से 14वें अक्षर, कहाँ से, बाईं तरफ से। ठीक, फर्स्ट पोजीशन आपको पता चल गई कि बाईं तरफ से कौन सा, 14वां अक्षर के दाएं। कौन सा अक्षर, मान लीजिए 10वां अक्षर। ठीक, के दाएं, फिर से के दाएं आप ले लीजिए, कौन सा अक्षर, फिर से आप 10वां अक्षर ले लीजिए, क्या होगा। अब बताइए आप, अब देखिए क्या होता है, एक बार आदमी ए टू जेड जाता है और फिर अगर इससे ज़्यादा आ गया तो फिर आदमी क्या करता है, फिर ए से पढ़ना शुरू कर देता है और फिर जेड तक जाता है, फिर ज़्यादा आ गया तो फिर क्या करते हैं आप, फिर ए से जेड तक पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर जाते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाईं तरफ से 14वां अक्षर यानी कि यल 14। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि राइट से 10वां अक्षर, इसके राइट यल 14 पे आप पहुँचे, उसके राइट 10वां अक्षर, फिर उसके राइट, अच्छा फिर उसके राइट आप लिख लीजिए 10वां अक्षर। ठीक, फिर कहा ना कि फिर के दाएं 10वां अक्षर। ठीक, अब ये क्या हो गया, मैंने कहा था जब यल और आर आ जाए दोनों जुड़ जाते हैं, यल 24 हो गया और यहाँ बचा क्या, आर 10, फिर यल और आर आ गया, फिर आप जोड़ लीजिए, यल 34 हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ए से जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, लेकिन यहाँ उत्तर क्या आ रहा है आपका, यल 34। अब आप इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यल 34 माइनस 26 कितना आ गया, यल 8। और यल 8 पर कौन सा नंबर आता है, 8वें पोजीशन पर, तो आपको मैंने क्रक्स बताया था ना, सी फिलो क्रक्स, आई आता है 9 नंबर पे, तो आई के ठीक पहले क्या आता है, GHI, फिर JKL, GH क्या आएगा, यह चाहेगा, और यही आपका उत्तर होगा। आई बात समझ में, इस तरह के सवाल बनाई जाती हैं, और ये तो तब भी इतने भी टफ लेवल का सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो 2 लाइन या 3 लाइन और बेहद आसान से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे अर्धांशों को उल्टा भी नहीं करेगा, हो सकता है सीधे अर्धांश में ही आपसे पूछ ले, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को समझे रहिए। इसके समझने से फ़ायदा ये है कि जब मैं आपको रैंकिंग और ऑर्डर पढ़ाऊँगा, जब मैं किसी लाइन पर लड़कों को बैठाना शुरू करूँगा, ये एक लाइन में मान लीजिए 25 लौंडे बैठे हैं, तो इधर से अगर आप गिनते हैं तो पाँचवें लड़के के दाहिने, तीसरे लड़के के बाएँ, पाँचवा लड़का कैसा होगा, तो बस यही नियम वहाँ पर भी लगेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इस तरह के, लेकिन ये रैंकिंग और ऑर्डर के सवाल आपसे तो पूछे ही जाएंगे, एक सवाल कम से कम इसमें से आने की उम्मीद है, लेकिन ये भी आ सकता है। वैसे तो ये मुझे बहुत कम अभी तक दिखा है पेपरों में यूपी पुलिस के, लेकिन आने की संभावना पूरी है। तो आप इसी के साथ इसे भी सीखे रहिए। अब इसके आगे क्या मैं आपको बताता हूँ कि अर्धांशों को जब उल्टा किया जाता है तब कैसे सवालें लगती हैं। एक सवाल बताया कि अगर चीज़ें 26 के अंदर ही रहे तो क्या होता है, फिर एक सवाल बताया अगर चीज़ें 26 के ऊपर निकल जाएँ गिनती में तो क्या होता है। अच्छा, कभी ये भी तो हो सकता है कि चीज़ें माइनस में चली जाएँ। कैसे? जैसे कोई सवाल कह रही है कि मान लीजिए कि बाईं तरफ से दसवें के दाएं पाँचवें के बाएं 17वें। ठीक, अब क्या करेंगे आप? अब आप तो लिखेंगे L10, R5 और L17। तो यहाँ तो ये हो गया L R जुड़ के L15, और यहाँ पे क्या है L17। ये क्या आएगा L - 2। अब इस तरीके में आप क्या करेंगे? इस तरीके में आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके में आपको क्या करना है, L जो -2 है इसको जो है आप 26 से घटा दीजिए, क्योंकि एक वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अंक ही तो होते हैं। 26 - 2 L24, और L24 पे क्या आता है, मैंने आपको कल बताया था C फिलो RU X। यक्स क्या आता है L24 पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा X आ जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको अगर माइनस में आता है तो घटाना है, और प्लस में आ जाता है तो उस संख्या से 26 को घटाना है, और यहाँ पर 26 से माइनस को घटाना है। और प्लस होता है, जैसे अभी L34 आ जाता तो अब आपको यहाँ 34 से 26 घटाना था, और यहाँ पर अगर L माइनस में आ रहा है तो अब आपको 26 से इसको घटाना है। ये छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब हम आगे की सवालों को देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीधा ऑर्डर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे उल्टा ऑर्डर। अगर हम जेड से ए तक किसी चीज़ को लिखें, हम जेड से ए तक किसी चीज़ को लिखते हैं, अब क्या होगा, जेड फर्स्ट पोजीशन पे होगा और ए 26 पोजीशन पे होगा। आई बात समझ में? अब जेड, वाई, यक्स, इस तरह हम चीज़ों को लिखे हुए हैं। अब कोई सवाल आपसे पूछे, क्या पूछे, मान लीजिए बाईं तरफ से, चलिए मैं दाहिनी तरफ से ले लेता हूँ, आप लोग नहीं कहेंगे सर बार बार बाईं तरफ से ही ले रहे हैं, दाएं तरफ से 5वें अक्षर के बाएं 20वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए, राइट से हमने लिया, राइट से कौन सा अक्षर, 5वां। ठीक, अब उधर से हम पढ़ रहे हैं ए की तरफ से, फिर उसके बाएं 20वां अक्षर। तो अगर हम राइट से पढ़ रहे हैं और किसी पोजीशन पे आकर खड़े हुए तो कह रहा है इसके बाएं, तो इसके बाएं मैंने कहा था कि ये भी उसी तरफ मुँह करके खड़ा है, तो इसके बाएं ये होगा। फिर कह रहा है कि अब इसके दाएं, तो इसके दाएं इस तरफ हमें जाना है। ठीक, मतलब हम कैसे चले, हम यहाँ से चले और इस तरफ ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ पर किसी पोजिशन पर रुके और फिर यहाँ पर किसी पोजिशन पर रुके और फिर हमने उल्टा घूमना शुरू कर दिया। ठीक, अब क्या था, लेफ्ट 20 और यहाँ पर राइट 7। ठीक, आई बात समझ में? यही तो लिखा है, दाईं तरफ से 5वां के बाएं 20वां के दाहिने 7वां। अब क्या करेंगे, अब ये सीरीज आपकी क्या है, रिवर्स है। पूरी सीरीज क्या है, रिवर्स, यानी कि उल्टी है। ठीक, मतलब पलट गई है पूरी सीरीज आपकी, A to Z तक जितनी वर्णमाला है वो सब पलट के लिख दी गई है। अब देखिए, जब पलट के लिख दी गई है तो हम कोशिश करेंगे हम उसे सीधा बना लें। अगर वो चीज़ सीधी हो गई तो इसका मतलब हम सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी सीधा वाला पढ़ लिया था। तो हम क्या करेंगे, आर को यल बना लें, यल को आर बना लें। जहाँ जहाँ आपको आर मिलेगा वहाँ यल कर लेंगे, जहाँ जहाँ यल मिलेगा उसको आर कर लेंगे। अगर हमने आर को यल किया तो यल 5 हो गया, आर 20 हो गया और फिर यल 7 हो गया। L5 क्या होता है और R20 दोनों जुड़ जाएंगे ना, दोनों जुड़ेंगे तो L25 हो गया माइनस L7 और L18। अब हमने पलट लिया था इसको, इसलिए क्या हुई थी, सीरीज भी हमारी पलट गई थी, यानी कि हम एक ही तरफ से पढ़ रहे थे। एक ही तरफ से L18 क्या होता है, सी फिलो आर यू यक्स, याद है तो कितने पे आता है, 6 नंबर पे सी फिलो आर। 18 पे क्या आएगा फिर, आर आएगा। ठीक, यही आपका आंसर होगा। कैसे, मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, देखिए समझिए आप। जेड वाई इधर से लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W X Y Z। अब इसने क्या कहा था, दाईं तरफ से पांचवा अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए। के बाएं ना, के बाएं, के बाएं किस तरफ जाएंगे, हम इसी तरफ जाएंगे क्योंकि ये इसी के तो आगे लिखा हुआ है ना, तो के बाएं हम इसी तरफ आएंगे। कौन सा अक्षर, 20वां अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। ठीक, कहाँ पहुँच गए हम, वाई पे पहुँच गए। यहाँ तक की सवाल हमने लगा ली। के दाएं 7वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पहुँच गए, आर पे। क्या आंसर आया था आपका, आर ही तो आया था। देखिए वही चीज़ आई ना, आपको इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं इस सवाल में, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब पूरी सीरीज उल्टी हो तो आपको आर की जगह यल कर लेना है, यल की जगह आर कर लेना है। फिर जैसे सीधे आप करते थे ए से जेड तक में, उसी तरह लगा के और वही उत्तर आपको दे देना है। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब फर्स्ट हाफ रिवर्स कर दिया जाता है दोस्तों, क्या तक हमने पूरे अल्फाबेट को उल्टा करके रिवर्स करके देख लिया। अब हम पहले अर्धांश को उल्टा करते हैं। जैसे क्या, हम पहले यम से ए तक लिखते हैं, उसके बाद उसी के आगे यन से जेड तक लिखते हैं। अर्थात हम कैसे लिख रहे हैं, यम से लेके ए तक, ठीक, और उसके बाद यन ओ पी क्यू आर जैसे लिखते थे उसी तरीके से हम उसको लिखते चले जा रहे हैं। ये क्या है आपका, प्रथम अर्धांश। उल्टा किया हुआ है, ठीक, फर्स्ट हाफ रिवर्स है। अब आपसे कोई सवाल वो पूछता है कि मान लीजिए बाईं तरफ से सातवां के दाएं तीसरा, के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। ठीक, अब देखिए बाएं तरफ से 7वां यानी कि L7, फिर के दाएं तीसरा यानी कि R3, के बाएं 6ठा यानी कि L6। ठीक, अब मैंने आपसे कहा था यल और आर कहीं दिखे आप जोड़ लीजिए, 7 3 10, तो ये क्या हो गया, L10 और L6। अब दोनों यल हो गए, जब दोनों यल हो जाए तो क्या करेंगे आप, घटा देंगे, घटा दीजिए, क्या आया, L4 आया। अगर यहाँ पर वैल्यू 13 से कम आए, किससे कम आए, अगर यहाँ पर वैल्यू 13 से कम आए तो क्या करते हैं, हम उसे 14 से घटा देते हैं। किससे, 14 से घटा देते हैं। और हमेशा आप कोशिश करिएगा कि आप यल के ही फॉर्म में लिखिएगा, उससे क्या होगा आपको भी सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं इसे आपको राइट के फॉर्म में भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको फिर क्या करना होगा, चीज़ों को पीछे से पढ़ना होगा, जेड की तरफ से। और जब आप यल के फॉर्म में लिखेंगे तो आप चीज़ों को हमेशा एक ही तरफ से पढ़ेंगे, और एक ही तरफ से आपको हमेशा याद रहता है, कंठस्थ है क्योंकि आप बचपन से पढ़ रहे हैं। जेड की तरफ से पढ़ेंगे तो आप वही 100 99 98 97 करके आएंगे और उसको पढ़ने में आपको कठिनाई होगी। 14 से घटाइए आप, तो L4 को अगर 14 से घटाएंगे तो क्या आएगा L10। और L10 क्या होता है, L10 क्या होता है, कल आपको मैंने बताया था सी फिलो, Fi के बाद J, इजोटी बताया था ना, J किस पे आता था, 10th पोजीशन पे, तो L10 पे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा J। ठीक, आई बात समझ में। अब हम इसी तरह सेकेंड हाफ को उल्टा करेंगे। पानीपत तो दोस्तों अब हम सेकेंड हाफ पढ़ेंगे कि सेकेंड हाफ को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो उत्तर क्या आता है। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा कि प्रथम अर्धांश को उल्टा करते हैं तो उत्तर क्या आता है। 13 से कम अगर आएगा ये तब हम 14 से घटाएंगे, अगर लेकिन 13 से ज़्यादा आ गया तब हम घटाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि हम इस वाले में पहुंच जाएंगे ना, और ये वाला तो सीधा लिखा हुआ है, यही तो उल्टा लिखा हुआ है जो 1 से 13 तक है, तो 13 से कम होने पर हम घटाएंगे। लेकिन 13 से अधिक हुआ, अगर प्रथम अर्धांश उल्टा है और 13 से अधिक वैल्यू आ गई, यहाँ पे 17 आ जाती तब तो हम इसमें पहुँच जाते, और इसमें हमको घटाना नहीं था कुछ भी। क्यों, क्योंकि एकदम सीधी लिखी हुई है, NOPQRST इस तरह लिखा हुआ है, तो जो आता फिर उस पोजीशन पे उसको हम आंसर दे देते। इसी तरीके से अब हम द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर रहे हैं, किसको, द्वितीय अर्धांश को। ठीक, और जब द्वितीय अर्धांश को हम उल्टा करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर A2M कर लेंगे, A2M और Z2N, यही तो होगा द्वितीय अर्धांश उल्टा। A से M तक सीधा लिखा हुआ है, उसके बाद का Z से N तक लिखा हुआ है। ठीक, और जब हम करेंगे इस तरह सवाल तो हम थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं, इसी सवाल को हम थोड़ा सा बदलते हैं। हम क्या करते हैं, हमने कहा कि बाईं तरफ से 7वां अक्षर के दाएं 17वां अक्षर, 17वां के दाएं 17वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। अब फिर से आप लिख लीजिए L7, ठीक, R17 और L6। अब L और R देखिए मिल गया, 17 7 24, L24 और यहाँ पर L6। अब यहाँ पर L मिल गया, यहाँ पर L तो घट जाएगा, 24 में से 6 गए, L18। अब ये क्या था, सेकेंड हाफ रिवर्स है। अगर सेकेंड हाफ रिवर्स है, अगर ये 13 से कम आ जाता तो फर्स्ट हाफ तो सीधा लिखा हुआ था, वही उत्तर लिख दिया जाता, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो सीधा लिखा हुआ है ना, तो 13 तक तो सेम रहेगा। ए से यम, यम 13 पे आता है, ये 13 पोजीशन पे आता है, और यम क्या है 14 पोजीशन पे आता है। ठीक, तो अगर 13 तक मिल जाता तब तो हम सेम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, उसी को देखकर आंसर लिख देते। लेकिन 18 आ गया, आप सेकेंड हाफ उल्टा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पर 40 से घटाएंगे, किससे, 40 से घटाएंगे कब, जब आ जाए किससे, 13 से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि सेकेंड हाफ रिवर्स है, सेकेंड हाफ उल्टा है। तो घटाइए 40 से, क्या आएगा, L40 माइनस 18 क्या आता है, L22। L22 क्या होता है, L22 होता है 7 3 21, U के बाद V होता है, L22 पे क्या होता है, V होता है। ठीक, तो उत्तर क्या आएगा, V आएगा, V फॉर वैन। ठीक है, आई बात समझ में। ये था कि सेकेंड हाफ को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा। हमने आपको सीधी सीरीज अगर जेड से एक मतलब रिवर्स कर दिया जाए उसी अल्फ़ाबेट के सीरीज़ को तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए और सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, सारी चीज़ों को बता दिया है। इसमें आप अपने मन से सवालों को बनाकर सॉल्व कीजिएगा, और मैंने आपसे कहा था किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस ले लीजिएगा, तो वहाँ में अगर सवाल आपको मिलती है तो वहाँ से आप लगाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट आपको हमेशा चैप्टर वाइज मिले, तो आपको सवाल लगाने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर खोल के सीधे सवाल लगाएंगे। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आपको हर प्रैक्टिस सेट में, हर पेपर में आपको जाकर सवाल खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे की चीज़ें मैं आपको, अभी तक हमने क्या देखा कि हम सीधी सीरीज, उल्टी सीरीज, और प्रथम अर्धांश को उल्टा करके और द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके क्या करते हैं। अब हम प्रथम अर्धांश को भी उल्टा कर रहे हैं और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा कर रहे हैं, फिर देखते हैं हम सवाल कैसे सॉल्व होती है। जैसे हमने लिख लिया क्या, यम से लेकर ए तक, और यहाँ पर जो यन से जेड चलता था उसको जेड से लेकर यन तक लिख लिया और एक ही लाइन में हमने ये लिखा है। और फिर हमने वही सवाल पढ़ा कि बाईं तरफ से सातवां के दाएं छठा के बाएं तीसरा। अब देखिए आप क्या कह रहा है, कह रहा है L7 R6 और L3, ठीक है। आपको L3 बताना है यहाँ पर, तो 7 6 L13 और माइनस L3 क्या आ गया L10। अगर L10 आ गया तो प्रथम अर्धांश उल्टा रहन मैंने आपको बताया था 14 से घटा दीजिए क्योंकि 13 से कम है, और अगर ये 13 से ज़्यादा आ गया तो 40 से घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जब आप 14 से घटाएंगे L10 को तो L4 आएगा और L4 क्या होगा D होगा। अगर यही चीज़ मान लीजिए, मैं यहाँ बदल देता हूँ थोड़ा सा, चलिए इसको कर देता हूँ मैं R18 कर देता हूँ, 18 7 25 और 25 में से 3 गए, यहाँ पर L22 आता। अब आप 40 से घटाते, जब आप 40 से घटाते तो L18 आता और L18 की वैल्यू क्या हो जाती कल बताया था ना C फिलो RUX, तो C फिलो और R तो L18 की वैल्यू R हो जाती। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत जल्द ही आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है और आप अपनी तैयारी को बराबर जारी रखिए। मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।